बांद्रा बैंक स्टैंड पर कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी ने एक लोकप्रिय स्ट्रीट कलाकार के साथ मारपीट की है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मुंबई की जीवित प्रतिमा द लिविंग स्टैचू और गोल्डन मैन के नाम से मशहूर कलाकार गिरजेश गौड़ ने इस घटना का जिक्र खुद इंस्टाग्राम पर किया है। नशे में धुत एक सिपाही मेरे पास आया और अपने डंडे से हमला कर दिया। मैंने उसे रोकने की काफी कोशिश की और उससे पूछा कि वो मुझे क्यों मार रहा है, लेकिन उसने पिटाई करना जारी रखा। गौड़ ने लिखा है कि बाद में सिपाही ने मेरी गर्दन पकड़ ली, जिससे मेरी सांसें अटक गई और मुझे सांस लेने में तकलीफ भी हुई। मैंने उससे कई बार छोड़ने का अनुरोध किया, लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा। आरोप है कि सिपाही उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाने और मामला दर्ज कराने की भी धमकी देने लगा। जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल तेजी से होने लगा तो पुलिस ने इस पर एक्शन लिया। वीडियो वायरल होते ही वरिष्ठ अधिकारी ने मामले का संज्ञान लेकर आरोपी सिपाही के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। कानून व्यवस्था संभालने के बजाय उसे बिगाड़ने वाले ऐसे सिपाही के खिलाफ सबूत मिलने पर उसे निलंबित की प्रतिक्रिया भी शुरू करने की बात कही है और इसमें आगे की जांच पुलिस कर रही है।